आज सुबह एक और लड़की की लाश मिली। आज सुबह एक और लड़की की लाश मिली। पिछले 14 दिन में ये चौथा केस है। ऐसा लगता है कि शहर में फिर से कोई सिविल किलर आ गया। पर हमारी पुलिस और प्रशासन उसे ढूंढने में नाकाम है। अब तक 4 लड़कियों की बलि चढ़ चुकी है। लड़कियों को किडनैप करता है। ऐसा लगता है कि शहर में फिर से कोई सिविल किलर आ गया और फिर मास्क में फेंक दिया। और लड़की की लाश मिली। अब तक 14 दिन में ये चौथा केस है। पुलिस ऐसा लगता है कि शहर में फिर से कोई सिविल किलर आ गया। पुलिस और प्रशासन उसे ढूंढने में नाकाम है। अब तक 4 लड़कियों की बलि चढ़ चुकी है। ये निकाला जाता है। अबे मेरी बात सुन, इतना थीसिस काफी है प्रोजेक्ट के लिए। नहीं ना यार, हमें थोड़ी सी और रिसर्च करने की जरूरत है, नहीं तो वो चमन हमें इंटरनल में मार्क्स नहीं देगा। माय गॉड, तू कितना टेंशन ले रहा है, वो भी 20 मार्क्स के लिए। मार्क्स नहीं काटेगा। लिसन, जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं ना, उसका रिसर्च कर ले, बाकी प्रोजेक्ट हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। लिसन, आई लव यू। अभी तक गुस्सा है? नहीं, पर तुझे वो नहीं करना चाहिए था यार। तुझे पता तो है हमारी फील्ड में सबसे पहली चीज क्या सिखाते हैं? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हाँ ठीक है यार, गलती हो गई, फिर जज नहीं करूंगी। अच्छा सुन, तूने कैब बुक कर ली? हाँ हाँ, मैं कैब बुक करके उसका ही वेट कर रही हूँ। कितना झूठ बोलती है ना तू। अरे नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा लिसन, विकी इज कॉलिंग, आई विल कॉल यू बैक। विकी बोल। किधर है तू? मैं बस स्टेशन पे चल रही हूँ, ट्रेन पकड़ूंगी और घर आ जाऊंगी। पागल है क्या? डैडी ने तुझे 1000 रुपए दिए थे ना कैब लेकर के डायरेक्ट घर आने। हाँ बट 20 ट्रेन के लिए, बाकी तो पिज्जा पार्टी कर लेंगे ना कल। अरे बेवकूफ, वो सीरियल किलर का न्यूज नहीं देखा क्या तूने? अब तक 4 लड़कियों की डेड बॉडी मिल चुकी है। इट्स रियली नॉट सेफ। तो सीधा कैब लेकर के घर आ। तुझे सीरियसली लगता है वो सीरियल किलर मुझे झेल लेगा? 10 मिनट में घर छोड़ देगा वापस और कहेगा, बहन जी कोई जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना। इतना ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, दिमाग है। साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ ना, तो उतना तो मुझे समझ में आता है। सुन अभी, बहुत टेंशन मत ले, घर ही आ रही हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। अरे लेकिन क्यों अकेले आना है जब कैब है, रिक्शा है और तेरे पास पैसे हैं? क्योंकि मुझे नाइट वॉक करना अच्छा लगता है, इसलिए। रख अभी, बाय। वैसे नहीं खुलेगा।
कैसे खुलेगा ये? वो मैं बता दूंगा तो तुम भाग जाओगी ना। तुम वही किडनैपर हो ना जो लड़कियों को किडनैप करके उन्हें मार देता है? मैं किसी को नहीं मारता। तो क्या करते हो? उनका रेप? रेप? जी जी जी, रेप रेप नहीं। और हाँ, किसी को रेप किसी का नहीं करना चाहिए। ओ, तो तुम चाय में जहर मिलाकर लोगों को मार देते हो? नहीं, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाया। अच्छा, पर मैं तो उसे पी नहीं पाऊंगी, तुमने मेरे हाथ बांध के रखे हैं ना। कोई बात नहीं, मैं पिला दूंगा। नो नो नो, मैं पी लूंगी, तुम बस मेरे हाथ खोल दो। चलो, ताकि तुम भाग जाओ। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? नहीं नहीं नहीं, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? हाथ छोड़ोगे तो भी मेरे पैर तो बंधे रहेंगे ना, मैं कैसे भाग पाऊंगी? प्लीज खोल दो मेरे हाथ, प्लीज। क्या? पहले तुम। पियो पियो। भागने का सोच रही हो ना, सोचना भी नहीं, क्योंकि आज तक यहां से कोई भी नहीं भाग पाया। क्यों? क्योंकि आसपास जंगल है और ये जगह जंगल से काफी अंदर है, यहां पे अगर नेटवर्क था। तो ऐसी जगह पे क्यों रहते हो तुम, लोगों को किडनैप करके उन्हें मार डालने के लिए? मैंने पहले कहा ना, मैं किसी को नहीं मारता हूं। वो अपनी गलती से मर जाते हैं। मतलब? वो भी तुम्हारी तरह भागने की कोशिश करते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूं, वो मेरी बात नहीं मानते, ना ही मेरी बात सुनते हैं। मुझे गुस्सा आ जाता है, उन्हें मार देता हूं। पर मैं तो भागने की कोशिश नहीं कर रही हूं ना, तो प्लीज मेरे पैर खोल दो ना। क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे बहुत जोर से सुसुआई है। झूठ बोल रही हो? नहीं, अरे नहीं झूठ बोल रही हूं यार। और कहां जाऊंगी मैं भाग के? मैं कोई जगह का कुछ पता नहीं है। तुम ही ने कहा ना बाहर जंगल है, तो ये ऐसे रात में जंगल में जाने से अच्छा मैं तुम्हारे साथ यहां बैठी रहूं। प्लीज मेरे पैर खोल दो ना, मुझे बहुत जोर से वॉशरूम जाना है। प्लीज जल्दी खोलो, प्लीज मेरे को बहुत जोर से लगी है। प्लीज ना खोल दो, प्लीज। हाँ, ठीक है ठीक है। प्लीज जल्दी जल्दी खोलो, प्लीज जल्दी जल्दी जल्दी।
नाइट वॉक भी चला गया है। अरे इतनी देर रोक के रखी थी ना, और ऊपर से ये तुम्हारा बाथरूम वो कितना गंदा है, साफ नहीं करते क्या कभी? एक काम करो, कोई क्लीनर लेके आ जाओ, यहाँ पे साफ सफाई करते हैं, जाओ। दिस इज सो अनहाइजेनिक, ऐसे रखता है क्या कोई अपने घर का बाथरूम? प्लीज कुछ क्लीन करने के लिए ले आओ। क्या करे है? मैंने बोला था ना, बोला था, शांत हो जाओ, सुनो मेरी बात सुनो। मैंने बोला था ना तुम भागने की कोशिश मत करना, तुम वही औरों की तरह निकली। अरे नहीं बाबा, मैं भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, तुम बात तो सुनो मेरी। क्या सुनो यार? मैं तो बस तुम अंदर नहीं आए ना इतनी देर, तो मैं तुम्हें देखने बाहर आई थी। बाप रे, गुस्सा तो कितना करते हो तुम, नाक पर बैठा हुआ है। वैसे लड़कियों को गुस्सा करना चाहिए, और यहां पर तुम हो। मुझे गुस्सा नहीं होना था, बिल्कुल नहीं। सॉरी, मुझे पूछना चाहिए था पहले। सॉरी वो सब गिरा दिया वहां पर, कौन साफ करेगा? मैं कर दूंगा ना, मैंने गंदा किया तो मैं ही करूंगा ना। हाँ, साफ करो फिर। मैं करता हूँ, तुम रूम में जाओ। हाँ, मैं साफ करके आता हूँ, तुम जाओ। The number you are calling is out of network coverage area. The number you are calling is currently switched off. अरे आयशा, तेरे साथ है क्या? नहीं, क्लास खत्म होने के बाद मैंने डायरेक्ट रिक्शा किया। और आयशा? आशा तो अमोल से बात करते करते निकल गई थी। अच्छा, तो वो अमोल के साथ है? कोई आइडिया नहीं है यार। ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू। हेलो। हाँ बोल। आयशा तुम्हारे साथ है क्या? मेरे साथ नहीं, तो मेरी तो 1 घंटे पहले बात हुई थी उससे कि वो घर जा रही है। अरे यार, मुझे भी वही बोलकर निकली, अब तक घर नहीं आई है। अब तो उसका कॉल भी नहीं लग रहा है, ना ही उसको मैसेज जा रहा है, और ना ही वो घर पे आई है। क्या बोल रहा है तू यार? क्या बोलूं, ये लड़की किसी की सुनती नहीं है। एक तो मम्मी डैडी भी घर पे नहीं है, ऊपर से डैडी ने उसको 1000 रुपए दिए थे ताकि कैब लेके डायरेक्ट आ जाए। अब तक ना ही मम्मी डैडी आए, ना ही वो लड़की। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा मेरी बात सुन, तू शांत हो जा, ठीक है? मैं कुछ सोचता हूँ, मैं करता हूँ कुछ, ठीक है? आई कॉल यू बैक। The number you are calling is out of network coverage area. Hello? हाँ गणेश। हाँ यार, बात सुन मेरी,
आयशा ने तेरे को कुछ बताया क्या कि वो आजाद कहीं जा रही है या नहीं? नहीं यार, कुछ नहीं, वो उसके भाई का कॉल आया था मुझे कि वो अभी तक घर नहीं पहुंची, तो उसने उसे लगा कि मेरे साथ होगी वो। अरे मेरे साथ नहीं है, तो मैं अगर होती तो मैं तेरे को क्यों कॉल करता? अच्छा सॉरी, चल चल कुछ नहीं, मैं करता हूँ तेरे को कॉल बैक। ओके थैंक्स, बाय। मैंने साफ कर दिया। गुड। डिनर में क्या है? मतलब डिनर का टाइम हो गया है तो मुझे भूख लगी है। मैगी है। मैगी डिनर में? हाँ। एक बात बताओ यार, तुम यहाँ ऐसे ज़ॉम्बी जैसे क्यों घूमते रहते हो? तुम नॉर्मल नहीं रह सकते क्या? मैं ऐसा ही हूं। क्यों हो ऐसे? अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, कोई जरूरत नहीं नाम जानने की। अरे जरूरत है, मुझे पता होना चाहिए मुझे किसने किडनैप किया और मैं किसके हाथों मरने वाली हूं। मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। अरे तो क्यों लाए हो मुझे यहां पर? ये घर साफ करवाने? मैं बोल देती हूं, मैं साफ सफाई में बहुत बुरी हूं और ये खाना पकाना तो मुझे आता नहीं है। ये सब मैं कर लेता हूं। ओके। अरे सुनो, कहां जा रहे हो? मैगी लेने। तुम मेरे पीछे पीछे मत आओ, मैं लेके आता हूं, तुम अपने रूम में जाओ। ओके, बट एटलीस्ट मुझे बताओ मेरा बैग कहाँ है। मेरे फोन की बैटरी शायद डाउन हो गई होगी तो मैं चार्जिंग पे लगा देती हूँ। अरे मतलब नेटवर्क तो है नहीं ना यहाँ पे, तो फोन चार्ज हो गया तो मैं गेम तो खेलूंगी एटलीस्ट। वैसे तुम तो अब बात नहीं करते और मैं इतनी देर शांत नहीं रह सकती। बताओगे या नहीं? तो ठीक है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। दरवाजा बंद कर दो। मच्छर आ जाएंगे ना। ये एक ही प्लेट क्यों लाए हो? मुझे भी खाना है। ये तुम्हारे लिए। तो तुम नहीं खाओगे? एक ही पैकेट था। कोई बात नहीं, शेयर करके खाते हैं। मुझे भूख नहीं है।
चल झूठे, शक्ल पे दिख रहा है कि तुम्हें भी खाना है। एक काम करो, दो चम्मच लेके आओ। चम्मच नहीं है। इतने बड़े घर में चम्मच नहीं है तो मैगी हाथ से खाता है कोई? कोई नहीं हाथ से खाते हैं, आज कुछ नया ट्राई करते हैं, है ना? आओ बैठो, साथ में डिनर करते हैं। अब क्या हुआ, अब क्यों घूर रहे हो, नहीं खाना साथ में? नहीं हाँ नहीं हाँ, क्या छोड़ो यार, मुझे भी नहीं खाना। क्यों? मैं अनजान लोगों के साथ नहीं खाती। By the way, मेरा नाम आयशा है। शशि, शशि, शशि। बहुत अच्छा नाम है। वैसे मेरा नाम भी बहुत कूल है ना? चलो शुरू करते हैं, अभी खाते हाथ से मैगी। फोन स्विच ऑफ किसने किया? विक्रम कौन है? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? सॉरी, ऑब्सेस्ड भाई है मेरा। तो हंसने वाली क्या बात है इसमें? वैसे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? कोई नहीं। ऐसे कैसे, सबका कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होता ही है। मेरा नहीं है, ना पहले था ना अभी है। क्यों? मगर मेरा फोन डेड पर आया, और साले ये गाड़ी भी अभी खराब होनी थी, पेट्रोल नहीं है इसमें। कोई नहीं चल, मेरे पास लोकेशन है, पर यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस साइड किस तरफ जाना है। ये रास्ता जाएगा क्या? हाँ इस तरफ जाना है, पर जाएंगे कैसे? गाड़ी तो नहीं जाएगी यार।
यार, पता नहीं कैसा रास्ता है आगे, चल के ही जाते हैं। हाँ यार, लेकिन बहुत अंधेरा है। कोई बात नहीं, चल चलते हैं। क्या हुआ यार, बहुत अंधेरा है। अबे बहन है तेरी वहां पे, चल 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 चल, चल। एक बात बता, तूने पुलिस को बताया क्या? अरे यार, ये सब टेंशन में मैं पुलिस को बताना ही भूल गया। डर लग रहा है? हाँ बहुत। अच्छा एक बात पूछो। कोई ना, वो जिंदा तो होगी ना? अब मतलब ठीक होगी ना? कोई नहीं यार, सबका कोई ना कोई पास्ट होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। पर अब हम दोस्त बन गए हैं ना, तो तुम अपने फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो। हम दोनों दोस्त हैं, अब तुम मेरी फ्रेंड हो। हाँ मैं फ्रेंड हूँ तुम्हारी। ये क्या कर रहे हो? बस घर पे इन्फॉर्म कर देती हूँ ताकि। नहीं कोई जरूरत नहीं है किसी को इन्फॉर्म करने की। अरे उन्हें फिक्र होगी मेरी, मैं बस नहीं बता देती। नहीं कल चले जाना रूम करके। कल? कल तक तो घर पे किसी ना किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं नहीं बोला ना मैंने आज नहीं जा सकती। नहीं बोला ना मैंने, तुम्हें समझ में नहीं आता? कल चले जाना। ऐसे दोस्त से बात करता है कोई? यू नो व्हाट, इसलिए तुमसे कोई फ्रेंडशिप नहीं करता। वो आसपास घना जंगल है और रात को काफी जंगली जानवर भी आ जाते हैं। कल मैं खुद तुम्हें मेन रोड तक छोड़ने आऊंगा, फिर चली जाना तुम तुम्हारे घर पे, प्लीज। ठीक है तो मैं एटलीस्ट घर पे इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं अपने दोस्त के घर रह रही हूँ, है ना? नहीं नहीं नहीं, मोबाइल नहीं प्लीज, कोई मोबाइल नहीं। फिर पुलिस आएगी, मुझे पकड़ के लेके जाएगी, बहुत मारेगी मुझे हमेशा की तरह। ओके कोई फोन नहीं, कोई किसी को इन्फॉर्म नहीं करेगा। ये देखो ये फोन मैंने यहाँ रख दिया, कोई फोन नहीं। ठीक है ओके वी आर कूल। कूल गुड। तो आप फ्रेंडशिप सेलिब्रेट करते हैं अपनी, है ना? दारू है घर पे? दारू नहीं। ओके कोल्ड ड्रिंक्स? कोल्ड ड्रिंक मेरी। कोई बात नहीं, मुझे बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है? लूडो मुझे पसंद है। लूडो? हाँ लूडो मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा जीतता था।
मैं अपनी माँ के साथ खेलता था। हाँ। तो आपकी मम्मी अब नहीं खेलती आपके साथ? अब रही नहीं ना, मर गई वो। सॉरी। 10-12 दिन ढूंढने की कोशिश की, वापस नहीं आई। काम पे जाती थी, उसके बाद वो वापस ही नहीं आई। सब लोग मुझे छोड़ के चले गए, पहले मेरे बाप, फिर मेरी दीदी, वो भी शादी करके छोड़ के चली गई, फिर मेरी माँ। कोई माँ अपने बेटे से ऐसे छोड़ के कैसे चली जाती है? अगर वो चली जाती तो फिर उसके लिए तो उसकी माँ मर गई ना। कितने दिन, कितना टाइम हो गया? 15 साल हो गए। 15 साल? हाँ, उतना ही हुआ है, 15 साल हुआ है। एक बात बताओ, लूडो में तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी। बहुत अच्छा खेलता हूँ मैं, भाभी बोलती थी मुझे। तुम तो मुझे हरा ही दोगे। कहाँ है लूडो, चलो खेलते हैं। मैं लेके आऊँ? हाँ हाँ, चलो चलो मैं लेके आता हूँ। लोकेशन तो आ गए। ये है क्या? यही लग रहा है। जाके देखते हैं क्या? सही जगह लग रही है क्या? मगर कोई रास्ता तो नहीं दिख रहा है। कोई लाइट भी नहीं जल रही। आसपास देखे क्या? आसपास कुछ और है भी तो नहीं। चल तू इधर देख, मैं उधर देख के आता हूं। ए विक्रम। हाँ, इधर से रास्ता है। इधर 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 आ जा। ए विक्रम, विक्रम कौन है? बड़ी चिपकली। आई ओके? धोखा दिया ना तुमने। आयशा लौटा, क्या कर रहा हूं? दोस्ती के नाम पे तुमने डांटा क्या? मर गया क्या?
हाँ तो ठीक है ना, अच्छा वो मर गया, पुलिस पूछेगी तो कह देंगे सेल्फ डिफेंस में मारा गया। हाँ वैसे भी सीरियल किलर था। आयशा चलो चलो यहां से। मेरा नहीं 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 ना पहले था लेता 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 ना अभी 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 Never judge a book by its cover। इसका असली मतलब उस दिन समझ में आया। शशि का तरीका डेफिनेटली गलत था, लेकिन वो इंसान गलत नहीं था, बस हम उसे समझ ही नहीं पाए। उसकी इस हालत के पीछे कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। उसे अगर कोई अपना, उसे समझने वाला मिला होता तो वो किलर कभी नहीं बनता। और न जाने ऐसे कितने शशि होंगे हमारे आसपास जिनको आज हमारी जरूरत है, उन्हें सुनने के लिए, उन्हें समझने के लिए। काश काश हम लोगों को जज करना बंद कर दें और उन्हें समझने की कोशिश करें, ताकि और कोई शशि ना बन पाए।